तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्स, स्पिरल डिस्टेंस, स्पिरल एंगल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एप्स के बारे में जानते हैं। तो एप्स क्या बोलता है, एप्स इज ए पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट है इन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स टू द पॉइंट हैज़ अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इसका डेफिनेशन ये बोल रहा है कि जो एप्स आपका एक पॉइंट है इन ए सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है, तो कोई भी एक सेंट्रल ऑर्बिट ले लेते हैं और उसका एक सेंटर ऑफ फोर्स ले लेते हैं। अब इस सेंट्रल ऑर्बिट के पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लो कहीं पे भी एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का कुछ वैल्यू है। अब इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए जो इस पॉइंट को ही टच करके आता होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसा होना चाहिए कि इसके टेंजेंट से, इसके टेंजेंट जो इस जहाँ पे सेंट्रल ऑर्बिट को टच कर रहा है वहाँ से लेके सेंटर ऑफ फोर्स पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाना चाहिए, ठीक है। वो लाइन टेंजेंट के से परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये जो लाइन आपका बना है यही आपका रेडियस वेक्टर, ठीक है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस मतलब आपका जो ये जो इस पे जो रेडियस बनता है सेंट्रल ऑर्बिट पे, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट में केवल एक ही एप्स नहीं रहता, आपका यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वहाँ से लेके सेंटर ऑफ फोर्स तक एक लाइन ड्रॉ किए और फिर देखे कि दोनों टेंजेंट और रेडियस वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है। मतलब एक सेंट्रल ऑर्बिट में बहुत सारे एप्स रहते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये सेंट्रल ऑर्बिट में केवल एक ही एप्स रहता है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्सिटल डिस्टेंस। तो एप्सिटल डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है द लेंथ ऑफ द रेडियस वेक्टर एट एन एप्स इज कॉल्ड एप्सिटल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका वही बेसिकली, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ फोर्स है, इस पर एक लाइन ड्रॉ किए, तो ये यहाँ इसको बी पॉइंट दिए, इसको ओ पॉइंट दिए, ठीक है। तो जो ओ बी का जो डिस्टेंस है वही आपका एप्सिटल डिस्टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्सिटल एंगल, ठीक है। द एंगल बिटवीन टू एप्सिटल डिस्टेंस इज कॉल्ड द एप्सिटल एंगल, वही आपका एक एक सेंट्रल ऑर्बिट में बहुत सारे एप्स होते हैं तो बहुत सारे एप्सिटल डिस्टेंस भी होंगे, तो किसी दो कंसेक्यूटिव एप्सिटल डिस्टेंस के बीच का जो एंगल होगा वही आपका एप्सिटल एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो सब इसमें सबसे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ फोर्स है, ये आपका ऐसा पॉइंट जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर और इस पॉइंट और सेंटर ऑफ फोर्स को ज्वाइन करने पर टेंजेंट और इसका ये जो रेडियस वेक्टर है 90 डिग्री बनाता है। इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, उन सब पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद दो लाइन के बीच में जो एंगल रहता है वो आपका एप्सिटल एंगल कहलाता है और ये आपका रेडियस वेक्टर का जो डिस्टेंस है वो आपका एप्सिटल डिस्टेंस कहलाता है।